हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग कनोज, गुड इवनिंग आरुषि। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन गाइस। सो एज यू कैन सी, इट इज स्टैटिक बेस्ट सेशन ऑन बैंकिंग अवेयरनेस। Okay, so guys, this is Ruhi, your friend, mentor, educator and guide who handles multiple subjects under the bank regulatory body exams like economics and social issues, finance management and many others. So guys, you can join me on Plus as well as my free special classes. Okay, very importantly, for all those bank aspirants who were demanding for special GA classes, I am going to start a unique series for the very first time on Unacademy, which is going to consist of your daily current affairs questions, static awareness questions, static banking, economy and finance terminologies based questions, and some important government schemes that are generally asked in your exams like State Bank of India, PO Clerk, IBPS, RRB, RBI and all other upcoming exams. सो गाइज, ये जो सेशन है कल से स्टार्ट होने जा रहा है 11 बजे। ओके, एवरी डे एट 11 AM यू कैन एनरोल फॉर माई फ्री स्पेशल क्लासेस। ओके, एंड वाइल गोइंग फॉर दिस यू जस्ट हैव टू अनलॉक द सेशन और द फ्री कंटेंट अवेलेबल ऑन अनअकैडमी बाई यूजिंग दिस कोड। एंड बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स दैट विल इन फैक्ट हेल्प यू स्कोर मोर इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। ओके, सो बिल्कुल फ्री है गाइज, आपने सिर्फ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और इन फ्री क्लासेस को एनरोल करना है। सो मेरा नाम रूही, आप सर्च करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारे बैचेस हैं जिसके बारे में आपको एंड में बताऊंगी, स्पेसिफिकली फॉर योर अपकमिंग रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर रेडी फॉर टुडे सेशन। यस, जस्ट टाइप यस इन द चैट if you guys are ready with the session today. Good evening Vijay, good evening Yashasvi. Yeah, so let's get started with the very first question of the day. In notice money market, the tenor of the transaction ranges from 2 to 7 days, 2 to 14, 2 to 21, 2 to 28, yeah, 2 to 90 days. Very important question from money market. So yahan par मनी मार्केट में नोटिस मनी मार्केट का जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसका टेन्योर कितना होता है? वेरी करेक्ट कनोज, 2 to 14 days। सो गाइज, अभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर द ट्रांजैक्शंस और द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स टेक प्लेस फॉर 1 year। ओके, एक साल से कम समय के लिए जब बोरोइंग एंड लेंडिंग होती है फंड्स को, तो हम उसे मनी मार्केट कहते हैं। अब बेसिकली गाइस, मनी मार्केट में आपके तीन टर्मिनोलॉजीज पे हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। अब ये तीन बेसिक ऐसे फैसिलिटीज है मनी मार्केट में जहां पर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर लाइक लेस देन 1 day। ओके, जहां पर फंड्स की रिक्वायरमेंट 1 दिन से कम समय के लिए है, इट इज कॉल मनी। 2 से 14 दिन की है, इट इज नोटिस मनी, एंड मोर देन 14 days, इट इज नोन एज टर्म मनी। ये तीनों जो है ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है गाइस, एंड इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक प्राइमरी डीलर्स, ओके, प्राइमरी डीलर्स वो एंटिटीज होती है जो आरबीआई द्वारा यू नो अथोराइज्ड होती है टू कैरी आउट दिस ट्रांजेक्शंस। ओके, so these are very important money market facilities in like call, notice and term market. You may get a question in your banking awareness from this area specially. यहाँ पे और भी बहुत सारे instruments हैं जहाँ से question एक examination में definitely बनता है। अगला सवाल हमारा, the difference between the total receipts and of the government's total expenditure in a financial year is known as। वेरी गुड इवनिंग भावेश एंड प्रशांत, यस सौरभ, राम राम, हेलो। चलो, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर करिए।
टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है बजट में, हम इसे क्या कहते हैं? वेरी करेक्ट, द आंसर इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, टोटल पूछा आपसे. सो व्हेन वी फॉर्म अ बजट द टोटल रिसीट, रिसीट मतलब आपका इनकम साइड एंड एक्सपेंडिचर मतलब आपका खर्चा. सो अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो लेस है या फिर ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, दैट इज रिसीट पोर्शन, देन वी गेट अ डेफिसिट और अ सरप्लस. अगर खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, तो वी गेट अ डेफिसिट और सरप्लस, वी गेट डेफिसिट, घाटा. ओके, सो हमेशा से याद रखो गाइस कि टोटल वर्ड अगर लगा है, टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा से ये दर्शाता है कि हमारे कंट्री में द टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर दैन योर रिसीट साइड, वी गेट अ बजटरी डेफिसिट. ओके, टोटल मतलब बजट डेफिसिट, एक्सपेंडिचर डेफिसिट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, रिसीट डेफिसिट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, एंड रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जो आपका रिसीट साइड वाला पोर्शन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर दैन रेवेन्यू रिसीट, देन वी गेट अ रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, सो याद रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर दैन रेवेन्यू रिसीट, और द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट विल गिव यू रेवेन्यू डेफिसिट, एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल विल गिव यू बजटरी डेफिसिट. नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग व्हाट इज बीबीबी स्टैंड्स फॉर? ओके, देयर आर वेरी गुड क्वेश्चंस अहेड. हेलो बिबिक, या कैन यू प्लीज आंसर दिस? बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बेनिफिशियरी ब्यूरो, बैंक ब्यूरो बोर्ड, या फिर बैंक ब्यूरो बेनिफिशियरी, इनमें से कौन सा फुल फॉर्म आपका करेक्ट है? बैंक बोर्ड ब्यूरो. ओके, बैंक बोर्ड ब्यूरो एक ऑटोनोमस बॉडी है. ऑटोनोमस मतलब इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी. ओके, इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विच वॉज फॉर्म टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था बीबीबी. So, it recommended selection of chief of government-owned banks and financial institutions to help banks in developing some strategies and capital raising plans. So, PSB ke financial position ko strengthen karne ke liye, strategies design karne ke liye, capital raising plans design karne ke liye, ye body banai gayi thi. अगला सवाल है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड अदर कैश लाइक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूजफुल इन परचेसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स आर कॉमनली नोन एज कैश क्रंच, लिक्विडिटी क्रेडिट, मार्केटेबिलिटी, या फिर नन ऑफ दिस. गाइस यू कैन शेयर द सेशन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स बिकॉज आगे बहुत सारी चीजें, कुछ नए टर्म्स आपको देखने मिलेंगे एंड दैट विल इनफैक्ट बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर बैंक और रेगुलेटरी बॉडीज. काइंडली शेयर द लिंक. Very good, very good. Correctly answered by all of you. Liquidity. Liquidity मतलब degree to which an asset or security can be quickly bought. कितने आसानी से हम cash avail कर सकते हैं या फिर कोई asset को हम cash में convert कर सकते हैं. जैसे आपका gold हो गया, जैसे आपका government securities हो गया, right? So how easily you can convert this into cash? So cash और other cash like marketable securities, basically से क्या पता चलता है कि हमारे पास कितना availability of cash है, liquidity कितनी है market में. Next, depositor education and awareness fund DEF is maintained by which of the following organization? NABARD, RBI, Provident Public Fund Authority, SIDBI, या फिर IRDA. So इनमें से कौन सा institution द्वारा ये fund maintain किया जाता है? Very important, depositor education and awareness fund is maintained by RBI. ठीक है, ये फंड बना था साल 2014 में एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आता है. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गाइस, कौन से एक्ट के तहत इसे डिफाइन किया गया है? याद रखना है, नॉट द आरबीआई एक्ट, इट इज अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द मनी लाइंग इन देयर अकाउंट्स दैट हैव बीन इन ऑपरेटिव फॉर लास्ट 10 इयर्स. पिछले 10 सालों में जो पैसा आपके अकाउंट में आइडल पड़ा है, इन ऑपरेटिव है, that fund has to be transferred in DEF, that is depositor education and awareness fund as per RBI.
नेक्स्ट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC कितने डिजिट्स का कोड है? 12, 11, 10, 9 या फिर 8? सिंपल एज दैट, इट इज हाउ मेनी डिजिट्स कोड? इट इज 12 और 11. IFSC इज अ 11 डिजिट कोड, अल्फा न्यूमेरिक है, जिसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर आपका 0 है? वेरी करेक्ट, यस, IFSC कोड 11 कैरेक्टर कोड है, जहां पे फर्स्ट 4 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स आपके बैंक का नाम रिप्रेजेंट करते हैं, अगले 6 कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली नंबर्स में है, न्यूमेरिक फॉर्म में, बट ये अल्फाबेटिक भी हो सकता है जो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं. हमेशा से याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 5th कैरेक्टर इज ऑलवेज 0, ओके, सो 5th कैरेक्टर इज ऑलवेज 0. And this is used for NEFT RTGS transactions. Okay, so ऐसे electronic transactions में हर transaction को एक unique identity के तौर पे IFSC code दिया जाता है. ठीक है, ये एक alphanumeric code है जो electronic fund settlement system in India द्वारा operate किया जाता है. Commercial paper, ये भी आपका एक instrument है, money market instrument, जहाँ पे issue करने वाली पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज या फिर प्राइमरी डीलर्स, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी. वेरी करेक्ट, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कॉमर्स, कमर्शियल मतलब कॉर्पोरेट्स द्वारा, कंपनीज द्वारा इश्यू किए जाते हैं. इसके अलावा ऑप्शन ई, मैनी पीपल आर सेइंग दैट इज बी एंड सी, मतलब प्राइमरी डीलर्स. प्राइमरी डीलर्स भी, जैसे मैंने आपको बताया, RBI के तहत रजिस्टर्ड एंटिटीज होते हैं, जिनको ऑथोराइज लाइसेंस दिया जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का. ठीक है, सो दे रिप्रेजेंट द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन हूज बिहाफ दे बोरो, यू नो, दे एंटर इन टू सच ट्रांजेक्शंस. So, यहाँ पर commercial paper is basically that instrument. ये instrument जो कि companies द्वारा issue किया जाता है, corporates द्वारा issue किया जाता है, and इसका minimum value कितने का है, guys? ये आपको मुझे comment में बताना है. Minimum कितने value के लिए issue किया जा सकता है और इसका maturity क्या होता है? Yes, पद्मावती, hello, can you please answer this? Commercial paper is issued for a minimum value of rupees 25,000, 1 lakh or 5 lakh. 1 lakh, okay? So 1 lakh. So 1 lakh is ka maturity, minimum value and its denomination. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh is denomination mein issue hota hai. Maximum koi limit nahi hai. और इसका मैच्योरिटी कितना है? कमर्शियल पेपर्स जो कि कंपनीज कॉर्पोरेट्स द्वारा इशू किए जाते हैं या फिर प्राइमरी डीलर्स भी से इशू कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली, कैन बी इशूड विद अ मैच्योरिटी ऑफ मिनिमम हाउ मेनी डेज? अप टू 1 ईयर. हाँ, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब 364 दिन के अंदर मिनिमम emergency. Commercial banks has to keep their funds with RBI. It comes to help banks in times of crisis. All of the above या फिर none of the above. इनमें से कौन सा function है RBI का जो कहता है कि RBI lender of last resort है? Yes, डूबती हुई बैंक को RBI का सहारा. I knew it. मुझे पता था आप लोग मिस्टेक करोगे, एंड जिन्होंने पहले किया था मुझसे क्वेश्चन वो लोग सही आंसर कर रहे हैं. वेरी गुड, ये सारे के सारे जो है RBI के फंक्शंस है, बट ऑब्वियसली राइट, यू मे गो फॉर ऑप्शन डी, बट द आंसर हियर इज
ऑप्शन सी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जैसे मैंने आपको हिंट भी दिया था, डूबते हुए बैंक्स को किसका सहारा है, अपने डैडी का, जो कि है आरबीआई। इट कम्स टू हेल्प बैंक्स इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब क्राइसिस के, इमरजेंसी के सिचुएशन में बैंक्स की हेल्प कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है। सुपरविजन का काम, रेगुलेशन का काम तो करता है, ये बात सही है, लेकिन लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब हेल्पिंग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, राइट। ये आपका फंक्शन यहाँ पे इस स्टेटमेंट से इंडिकेट किया गया है। अगला सवाल है, व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी गुड्स एंड सर्विस स्टार्ट डिक्लाइनिंग कंसिस्टेंटली द फिनोमिना इज नोन एज व्हाट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मैंने आज इन्फ्लेशन से डाला है, बाकी कुछ क्वेश्चन नहीं डाले आप लोग के लिए। यू कैन ट्राई आंसरिंग दिस। यहाँ पे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन बन रहा है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट डिक्लाइनिंग, लगातार गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिक्लाइन होना। गुड इवनिंग प्रशांत। यस यस यस, द करेक्ट आंसर इज डिफ्लेशन। ओके, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का अपोजिट। कम ऑन टेल मी, इन्फ्लेशन में प्राइसेस क्या होती है? इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ती या घटती है? लगातार, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती है। ओके, इन्फ्लेशन, जिससे हमारी खरीदने की क्षमता, परचेसिंग पावर और परचेसिंग कैपेसिटी क्या होती है? खरीदने की क्षमता गिरती है, राइट, गिरती है। सो दैट इज इन्फ्लेशन। एंड द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन, जिसमें हर चीज अपोजिट होती है, प्राइसेस डिक्रीज होना, परचेसिंग पावर का बढ़ना। ऑब्वियसली जो चीज सस्ती मिलती है तो हम इसे खरीदना चाहते हैं या फिर खरीद पाते हैं, तो परचेसिंग पावर बढ़ता है। पैसों की कीमत क्या होती है? वैल्यू ऑफ मनी इन केस ऑफ डिफ्लेशन, व्हाट हैपेंस? वैल्यू ऑफ मनी इन केस ऑफ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब 100 रुपए की चीज आज 150 में बिक रही है। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर घट रही है, जबकि इसका अपोजिट वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ओके, इन इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, इन डिफ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस। यहाँ से ये फैक्टर्स याद रखना है। प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट सेविंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग ऑप्शन, स्टॉक मार्केट ऑप्शन, ब्रांडिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर म्यूचुअल फंड बेनिफिट। प्लानिंग, रिटायरमेंट सेविंग के लिए प्लान करना। चलो, हर रोज पोल की आदत है, जो भी स्टूडेंट्स पोल के लिए आंसर करना, पोल के साथ आंसर करना चाहते हो, 11 बजे डेली मेरे साथ जुड़ेंगे स्पेशल क्लासेस में। ओके, स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी which is completely free. Okay, so very correctly answered, financial planning. Financial planning का तरीका है retirement saving. Okay, planning for retirement. Next, financial inclusion is a powerful tool adopted by RBI. Very very important. Financial inclusion मतलब क्या? Upliftment of population lying below poverty line, connecting every Indian to the country's banking system, ensuring bank finance to all the landless agriculturists. Overall financial growth backed by inflation control, या फिर inclusion of latest technology in the financial sector. Maximum students ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। Connecting every Indian to country's banking system, unbanked areas में, rural areas में banking services को लेकर जाना। Okay, basic object तो financial inclusion का ये रहा है कि हर Indian को country के banking system से, फाइनेंशियल सर्विसेज से वाकिफ कराना। ठीक है, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेफिनेशन कहता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट लोन फैसिलिटीज व्हेन दे नीड फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक वीकर सेक्शंस, लो इनकम ग्रुप्स एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। सो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल टू द रूरल एरियाज, अनबैंक्ड एरियाज, लो इनकम ग्रुप्स इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। याद रखिए, हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस को इंक्लूड करना, जब हम फाइनेंशियल एक्सक्लूजन कहेंगे दैट बिकम्स एक्सक्लूड करना, मतलब जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है उसे हम फाइनेंशियल एक्सक्लूजन कह सकते हैं। अगला सवाल है, रिजर्व्स व्हिच कैन एक्ट एज लिक्विडिटी बफर, बफर मतलब कुशन, रिजर्व करना पैसों को, फॉर कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग द क्राइसिस टाइम्स, इमरजेंसी के समय कौन से रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं लिक्विडिटी बफर के फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स द्वारा?
CAR capital adequacy ratio, CRR cash reserve ratio, CAR and CRR, CRR, SLR, SLR. Very correctly answered. The answer here is CRR and SLR, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. Okay, CRR cash reserve करना, जब हम या फिर commercial banks में generally यहाँ पे question में commercial banks की बात कर रही हूँ, जब commercial banks को RBI के पास reserve maintain करना होता है as a part of their net demand and time liabilities, तो we say it is CRR cash reserve ratio. RBI के पास cash reserve करना is CRR. Maintaining reserve in the form of cash, gold or government securities with themselves मतलब bank जब अपने खुद के पास cash, gold या government securities के form में reserve रखती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? 7 बजे भी management का class है. I hope general management आपने नहीं भी पढ़ा है, तो don't worry, we will revise it. Okay, in the practice session of today's last session on management. This is known as statutory liquidity ratio, SLR. तो ये topic है आपका monetary policy का, guys. Those who are not aware of this, go through the monetary policy topic of banking awareness. This is very important topic. Next. Actual return of an investor is sometimes reduced as the prices of the commodities go up all of a sudden. In financial sector, this type of phenomena is known as probability risk, market risk, inflation risk, credit risk, या फिर none of this. So ऐसा situation जहां पर investor का actual return जो है अचानक से reduce हो जाता है और commodity के prices में rise देखने मिलता है, तो risk management banking sector में different types of risk होते हैं. Okay, different types of risk and this risk is known as market risk. Okay, इसे कहते हैं market risk. Market risk a possibility where an investor experiences loss. जैसे banks ने कहीं investment किया है, तो अगर share prices down हो जाती है और कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसका बहुत बड़ा लॉस फेस करना होता है ड्यू टू द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. ओके, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, जिसका कारण हेवी लॉसेस जो है बैंक्स को फेस करना पड़ता है एंड दिस रीजन इज मार्केट रिस्क. ओके, मार्केट रिस्क इसे कहा जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं गाइस. आगे वाला मेरा जो भी फाइनेंस का कोर्स आएगा उसमें मैं रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ही डिटेल में कवर करूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम IIM इन रिस्क मैनेजमेंट. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट. When an unlisted company makes dash, it seeks to sell shares to the general public for the first time. Yeah, unlisted company जब मार्केट में पहली बार आके शेयर्स बेचना चाह रही है तो इसे क्या कहते हैं? सिंपल सा एक वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पे कैपिटल मार्केट इस टॉपिक से. ओके, जब भी कोई कंपनी लिस्ट होना चाह रही है और मार्केट में पहली बार शेयर्स को इश्यू कर रही है तो उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO. एंड इफ द कंपनी वांट्स टू सेल मोर एंड मोर शेयर्स और वांट्स टू मेक एन इश्यू फॉर द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड कंसेक्यूटिवली फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, लगातार अगर वो मार्केट में शेयर्स इशू करना चाहती है तो इसे हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, FPO. ठीक है, तो IPO याद रखे इनिशियल होता है, पहली बार के लिए होता है. FPO लगातार कोई भी नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई कंपनी इशू शेयर्स इशू करना चाहती है. ऑफर फॉर सेल मेथड, ऑफर फॉर सेल मतलब जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है जैसे कि ओनर्स है कंपनी के, प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स मानी ओनर्स है कंपनी के, ओनर ए है और बी है, अगर ये दोनों बंदे इनके पास 100 शेयर्स है और इनके पास 100 शेयर्स है, अगर ये अपने शेयर में से कुछ शेयर जैसे कि मान लो 10 शेयर ये सेल करना चाह रहे हैं और ये भी बंदा 10 शेयर्स को सेल करना चाह रहा है, तो इसे हम कहेंगे OFS, ऑफर फॉर सेल मतलब अपने शेयर्स में से हिस्सा बेचना.
ओके सो दैट इज ऑफर फॉर सेल. प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट जहाँ पे कुछ प्राइवेट एंटिटीज को ही कंपनी सिलेक्ट करके शेयर्स इशू करती है, दैट हैपेंस इन प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके सो टेंडर मेथड, दिस इज नॉट बेसिकली अ टाइप ऑफ ऑफरिंग इन द कैपिटल मार्केट. नेक्स्ट, इन कैपिटल मार्केट द टर्म आर्बिट्रेज मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में पूछा जा चुका है. इन अ कैपिटल मार्केट द टर्म आर्बिट्राज इज यूज्ड इन रेफरेंस टू, यस, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज टू कवर द सेल, सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू रिड्यूस द लॉस और परचेज, द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट टू प्रॉफिट, एंड इम्बैलेंस इन द प्राइस, वेरिएशन इन डिफरेंट मार्केट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव. कॉन्सेप्ट 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 क्लियर नहीं है. व्हाट डज द टर्म आर्बिट्राज मीन्स टू, चलो यस वेरी करेक्ट, भावेश हैज आंसर्ड एंड विवेक हैज आंसर्ड दिस करेक्टली. ओके, आर्बिट्राज मतलब साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट. देखो अभी जैसे मार्केट ए है और मार्केट बी है, मान लो हम ऑनियन की बात कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि हम ऑनियन की बात कर रहे हैं, ऑनियन का प्राइस यहाँ पे कुछ चल रहा है और इस मार्केट में कुछ है. जैसे मान लो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लेट्स से 30 रुपीज पर केजी एंड यहाँ पे चल रहा है 50 रुपीज पर केजी. ओके, एक्स एक्स एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है. अब आपने क्या किया, मार्केट ए से खरीदा, ओके यू बाय दिस सस्ते में मिला, यहाँ पे खरीदा और यहाँ से जाके इसको बेच दिया. यू सेल ऑन अदर हैंड साइमल्टेनियसली, आप यहाँ पे खरीद रहे हो और दूसरे मार्केट में जाके आप बेच रहे हो. यही चीज एनएससी और बीएससी पे होती है, जहाँ पे स्टॉक्स में शेयर प्राइजेस में बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, एंड ऑन वन प्लेटफॉर्म द शेयर्स आर ब्रॉट एंड ऑन द अदर हैंड द शेयर्स आर सोल्ड, ठीक है. तो मार्केट में, कैपिटल मार्केट में जब साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है ऑफ एन एसेट, लेट्स से शेयर्स टू अर्न अ गारंटीड प्रॉफिट, ओके. इम्बैलेंस इन प्राइस मतलब प्राइस डिफरेंस, ओके. यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ से आपने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, एक टाइम पे खरीदा और दूसरे हाथ पे आपने उसे बेच दिया. To earn a profit, that is known as arbitrage. Okay, arbitrage इसे कहते हैं. ध्यान में रखिए. I hope this is clear. Did you understand what is arbitrage? This takes place in capital market. Next, Indian government decides the level of rupee to be 70 from 68 against $1. ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि 1 रुपया 70 होना चाहिए, जो पहले 68 हुआ करता था, अगेंस्ट $1, मतलब $1 इक्वल्स टू रुपीज 70 नाउ, विच वॉज अर्लियर इक्वल टू 68. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डीवैल्यूएशन. ठीक है, पहले हमारा वैल्यू क्या था, $1 खरीदने के लिए हम 68 रुपए दे रहे थे. आज इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि आज हम $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हुई है, हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है. ओके, डेप्रिशिएट हुई है. दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखो, अगर ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रही है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के कारण हो रही है, ऑफ डॉलर्स की डिमांड और सप्लाई के कारण हमारी वैल्यू घट रही है, तो उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन. ओके, डेप्रिसिएशन. एंड अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, अगर आरबीआई गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें हमारी वैल्यू को घटाना है, देन इट बिकम्स devaluation. Okay, when it happens because of the government's decision, then we say it is devaluation. Opposite scenario ले लेंगे, अगर यहाँ पे 68 था, अब government ने 65 कर दिया, what do you say, what do you call this term as? पहले $1.68 था, अभी $1.65 है. If this happens because of market forces, then what do you call it as? एग्जैक्टली एक घंटा प्रिया, 1 घंटा 7 बजे तक,
उसके 5 मिनट पहले छोड़ दूंगी, 7 बजे अगला सेशन है मैनेजमेंट ऑन इन स्पेशल क्लास. दिस इज नोन एज अप्रिसिएशन. ओके, दिस इज नोन एज अप्रिसिएशन. अगर ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है देन वी कॉल इट एज अप्रिसिएशन. अगर गवर्नमेंट कर रही है, ओके, 68 का 65 हो रहा है, अगर गवर्नमेंट कर रही है देन वी से इट एज रिवैल्युएशन. ओके, रिवैल्युएशन. याद रखिए, डेप्रिसिएशन, डिवैल्युएशन, अप्रिसिएशन, रिवैल्युएशन. नेक्स्ट, ETFs are mutual fund listed and traded on stock exchange like shares. ETF stands for electronic traded funds, exchange time funds, exchange traded finance, exchange traded flows या फिर exchange traded plan. यहाँ पे आपको question abbreviation से एक question आता है examination में, generally financial कोई terms से. तो यहाँ पे ETF exchange traded funds होते हैं. They are mutual funds listed and traded on स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक योर शेयर्स. शेयर्स की तरह ही जो म्यूचुअल फंड्स लिस्ट किए जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले फंड्स. नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी और कैश एंड अदर कैश लाइक इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ले लिया है, जस्ट कीप दिस. नेक्स्ट, इन अ कंपनी द यूज ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन बाय द कंपनी पीपल टू मेक गेन्स और कवर लॉसेस. जनरली आप सबको पता होगा इसे क्या कहते हैं. कोई कंपनी में अगर प्राइस सेंसिटिव कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन लीक किया जा रहा है विच इज कंसिडर्ड टू बी एज इलीगल, दिस इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग. ओके, इनसाइडर ट्रेडिंग इज इलीगल. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या है? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करना, शेयर की प्राइसेस बढ़ने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है, इन चीजों को लीक करना, राइट? यस यस, ऑब्वियसली सबको ही पता है ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, सेबी, सिडबी, आईआरडीए या फिर एनएससी. वेरी सिंपल, दिस इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटर. ठीक है, सारे जो कैपिटल मार्केट है, ट्रांजेक्शन्स या फिर सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारे वर्ड्स आपके सिमिलर हैं. कैपिटल, स्टॉक मार्केट या फिर सिक्योरिटीज मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. सेबी इस्टेब्लिश हुई थी 12 अप्रैल 1992 को एंड जिसको स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए थे 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992, जिसके करंट चेयरमैन है मिस्टर अजय त्यागी. नबार्ड के लिए, ओके, सो यस हर्ष, नबार्ड के लिए आज का सेशन ज्वाइन करो 7 बजे का मैनेजमेंट का. ओके, आई विल गिव यू लास्ट 10 मिनट्स रेज हैंड फीचर या फिर आज डाउट क्लियरिंग लास्ट सेशन है, आई विल टेक योर डाउट्स. ओके, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी लाइव. ओके, ठीक है, वेरी सून आपके स्पेशल क्लासेस में भी रेज हैंड फीचर अवेलेबल होने वाला है, जहाँ पे आप हैंड रेज करके आपके डाउट्स भी जो है पूछ सकते हो. ठीक है, रिसीट लिस्टेड इन इंडिया एंड ट्रेडेड इन रुपीज, रुपीज में ट्रेड होने वाली रिसीट डिक्लेयरिंग ओनरशिप ऑफ शेयर्स इन द फॉरेन कंपनी इज कॉल्ड एज IDR, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, इंडियन डिपॉजिटरी रेवेन्यू या फिर नन ऑफ दिस. तीन टाइप के रिसीट्स होते हैं हमारे, IDR, GDR एंड ADR. ओके, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है गाइस, रिसीट कहाँ पे लिस्ट हो रही है? इंडिया में लिस्ट हो रही है. जो रिसीट इंडिया में लिस्ट हो रही है एंड इट इज ट्रेडेड इन डोमेस्टिक करेंसी दैट इज रुपीज, विच डिक्लेयर्स ओनरशिप ऑफ शेयर्स इन द फॉरेन कंपनी, देन दैट रिसीट इज नोन एज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट. ओके, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ, अ रिसीट लिस्टेड इन अमेरिका और US and this is traded in dollars, declaring shares of Indian company, is called as. अगर question को मैंने replace कर दिया, receipt US में trade हो रही है, dollars में हो रही है and shares जो है Indian company के हैं, then that is known as ADR. okay, और India और America के सिवाय कोई अदर कंट्री में ये रिसीट इश्यू की जा रही है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो विच इज मेंटेन्ड विद आरबीआई.
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज मॉनिटरी पॉलिसी का क्वेश्चन, मिनिमम कैश रिजर्व्स में, गोल्ड में, अप्रोच सिक्योरिटीज में, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ में। ADR का फुल फॉर्म है प्रशांत अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, मतलब अमेरिका में, ठीक है। आपको अभी नहीं समझ रहा है, डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या फिर बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ मेरा फाइनेंस कोर्स आएगा, जिसमें एकदम क्लियर हो जाएगा आपको हर एक टर्म, ओके, डोंट वरी। सो कैश रिजर्व रेशियो, कैश मिनिमम कैश रिजर्व वो तीन भी किसने किया, गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में SLR होता है गाइस, ओके, SLR हैज टू बी मेंटेन एंड RBI कैश रिजर्व रेशियो CRR सिर्फ कैश में मेंटेन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दैट बाइज एंड सेल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी, बड़े क्वांटिटीज में सिक्योरिटीज को बेचना, जैसे कि बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स, ओके, व्हाट इज दिस टर्म नोन एज, दिस इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ओके, ये आपका कैपिटल मार्केट का टर्म है, जो कहता है कि एंटिटीज विच पूल मनी टू परचेज सिक्योरिटीज, रियल प्रॉपर्टी एंड अदर इन्वेस्टमेंट असेट्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, पेंशन हेज फंड्स, हेजिंग का एक चीज मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है हेजिंग, देन यू हैव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एंडोमेंट्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। जब कोई इंस्टीट्यूशन को ही शेयर इश्यू किए जा रहे हैं तो इट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप, अब डोंट से दिस इज स्वैप, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया आपके लिए, ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव इज अ टॉपिक फ्रॉम फाइनेंस विच कैन बी आस्क्ड इन एनी इंश्योरेंस एग्जाम एज वेल एज योर बैंक एग्जाम। हाँ, PDF भी मिल जाएगा, ओके, PDF भी मिल जाएगा। करेंसी स्वैप इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बेसिकली हमारे चार टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं, चार टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। सो जनरली स्वैप is an instrument to manage cash flow in different currency, okay, different currencies में, जैसे dollars में और INR में cash flow किया जा रहा है, currency swap किया जा रहा है दूसरे country के साथ। दो types में होता है, interest rate और currency risk। derivatives का chapter ठीक से पढ़ेंगे तो ये चीज और भी better clear हो जाएगी। तो currency swap ये एक derivative instrument है जहाँ पर दो different currencies के cash flows को exchange किया जाता है। Which among the following is authorized by RBI to store rupee notes and coins? Store करना है notes and coins को, store करने के लिए RBI द्वारा authorized store कौन सा है? Currency bank, currency block, currency chest, currency reserve, या फिर none of this, ठीक है, ठीक है, very correct, currency chest, okay, currency chest, currency chest एक depository है RBI का, जहाँ पे excess money meant for the banks and ATMs is stored, okay, excess money को जहाँ पे store किया जाता है, RBI का एक depository है जिसको currency chest कहते हैं। अब यहाँ से कुछ important fact को ध्यान में रखें। Currency chest located in the premises of selected branches or banks pan India. The money stored in the currency chest belongs to RBI, while the money stored in the strong room belongs to the bank. ठीक है, अब chest में, currency chest में जो पैसा reserve होता है वो RBI का पैसा होता है, और कोई other locker में पैसा वो bank का पैसा होगा generally. So currency chest कहाँ पे located है? It is located in the premises of selected branches of bank. Bank के कुछ selected branches पे ये store किया गया है, and इसे administer मतलब regulate करना, supervise करना किसका काम है? RBI का काम है, Apex Bank, that is Reserve Bank of India का काम है। इसके अलावा याद रखना है 2019-20 का as per the latest report released by Reserve Bank of India, total 3,367 currency chests and 2,782 small coin deposits are there in our country. याद रखें, okay, 3,367. ये आपके number of currency chests है as per RBI's website, okay, RBI के website के मुताबिक, State Bank of India के,
आपको टोटली याद नहीं रखना है किसके कितने हैं, ओके, नेशनलाइज बैंक के, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, फॉरेन, आरआरबी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टोटल कितने हैं ये आपने याद रखना है। स्मॉल कॉइन डिपॉट्स है, डिपॉट मतलब डिपॉजिटरीज फॉर स्मॉल कॉइन्स 2782 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज कम्स अंडर इंडियन सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के तहत कौन आता है, कौन से एक्सचेंज आते हैं? Guys, if you are learning something out of this session, kindly hit the like button, okay? I'll try to come up with many more sessions this way, okay, to help you in your upcoming exams. चलो बिल्कुल सही, that is all of the above. Indian secondary market में regional stock exchange, Bombay stock exchange, national stock exchange, then OTCEI जो है over the counter stock exchange of India है, interconnected stock exchange of India है, ये सारे जो है secondary market में आते हैं, okay? Primary market मतलब first hand market, जहाँ पे सीधा सा company से आप shares खरीद रहे हो, तो ये primary market है, आपने एक बार खरीदा and then दूसरी तरफ बेचा, सेकेंड पार्टी को बेचा, देन इट इज सेकेंडरी मार्केट। तो अभी ये चार टीयर का सिस्टम है, यू हैव टू रिमेंबर, ऑफ रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस बीएससी एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस ओटीसीआई एंड आईएससी। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट सप्लाई साइड डेटा सेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एम टू मेजर एंड मॉनिटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मॉनिटर करने के लिए सप्लाई साइड डेटा सेट फाइनेंशियल सर्विसेज का कौन देता है? IMF देता है, RBI देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, ADB देता है, स्विस नेशनल बैंक देता है। कल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, 4 अगस्त से ESI का, ओके, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज फॉर RBI ग्रेड बी, NABARD, ओके, आई ट्राई टू कंपाइल वेरी वेरी गुड MCQs ऑन रिपोर्ट्स, स्पेसिफिकली रिपोर्ट्स के लिए, ओके। You can enroll for the batch if you are preparing for any regulatory body exams as well. Very good. IMF, okay. IMF का financial access survey आता है जो data provide करता है on access to use basic financial services by the individuals and firms. ठीक है, so financial service related data IMF के financial access survey द्वारा present किया जाता है. Yes, next. The rate of which domestic currency is converted into foreign currency in which of is known as which of the following? Floating rate, exchange rate, inflation rate, deflation rate या फिर other. Domestic currency मतलब Indian currency को हम foreign currency में convert करना, इस चीज को क्या कहते हैं? $1 equals to 75 rupees. Then this conversion of dollar into rupees, of rupees into dollar, this is exchange rate. Okay, इसे कहते हैं exchange rate. Next, financial exclusion. मैंने आपको financial inclusion पढ़ा है. अब logically financial exclusion को answer कर सकते हो. Exclude the finance, lack of access to financial services, overlooking financial impact of the services, instability of financial services. ओवर द काउंटर में डायरेक्टली, यस कनोज, दिस विल बी लाइक क्लियर टू यू वंस यू डू डेरिवेटिव्स टॉपिक, ओके। ओटीसी क्या होता है, ओके, एंड ईटीसी क्या होता है, इसको हम डिटेल में डेरिवेटिव्स टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके। यस, वेरी करेक्ट, दैट इज लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। The tax imposed by each state on gross premium written by insurers to risk located in the state. Gross premium पे जो tax लगता है, नाम में ही answer है. Yes, Ankit. Which exam are you preparing? Okay, so yes, premium tax इसे कहते हैं. Tax imposed on gross premium written by insurers is known as premium tax. Dash are issued by the company to a consumer for buying goods and services exclusively from that company. Closed system, exclusively उस company से ही आप goods and services खरीद सकते हो. ऐसे instrument को हम क्या कहेंगे? Yes, Ankit, you are preparing for bank PO, then you can go for a bank subscription, okay? And if you are preparing for regulatory body as well, then do not go for a single subscription, go for a combo subscription which will almost cost
कॉस्ट यू लाइक द बैंक सब्सक्रिप्शन इटसेल्फ. कॉम्बो बैंक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का और बैंक का दोनों मिला के आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हो. यू कैन जॉइन यू इन सिंपल कॉन्सेंस बाय रूही मैम एंड यू विल फाइंड द लिंक टू द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. ओके सो यहाँ पे क्लोज्ड पेमेंट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट पीपीआई. ओके पीपीआई क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड हो गए, मेट्रो कार्ड्स हो गए. ओके जैसे कोई रिलायंस का कार्ड मिल गया या फिर वाउचर्स मिल गए. ओके दीज आर कार्ड्स पीपीआई. तो पीपीआई जनरली प्री लोडेड होते हैं जो कि पहले से रिचार्ज किए जाते हैं. तो थ्री फॉर्म्स में होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, क्लोज सिस्टम पीपीआई, सेमी क्लोज्ड पीपीआई एंड ओपन सिस्टम पीपीआई. थ्री फॉर्म्स में आपको याद रखना है, क्लोज्ड पीपीआई, सेमी क्लोज्ड पीपीआई एंड ओपन पीपीआई. क्लोज्ड पीपीआई एज पर द आरबीआई वेबसाइट मतलब एक्सक्लूसिवली बाइंग एंड सेलिंग उसी पार्टी से हो सकता है. एग्जाम्पल आप दे सकते हो मुझे, जैसे गिफ्ट वाउचर. आपको क्रोमा का गिफ्ट वाउचर मिला है तो इस क्रोमा का गिफ्ट वाउचर आप सिर्फ क्रोमा में ही यूज कर सकते हो. ये क्या है? क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई है. सेमी क्लोज्ड पीपीआई, सेमी क्लोज्ड पीपीआई लाइक एचडीएफसी बैंक्स, पेजैप, स्टेट बैंक्स, योनो. ओके दीज आर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल बैंक एज वेल एज नॉन बैंक पीपीआई. या फिर पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, दीज आर सेमी क्लोज्ड पीपीआई. ओपन पीपीआई, ओपन पीपीआई जैसे कि आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड हर ट्रांजैक्शन पे आप यूज कर सकते हो, दैट देयर इज नो लिमिट. ओके यस यस कनोज, यस कनोज वेरी करेक्ट. आज रिसेंटली रिलीज हुआ है ई रूपी, उसके बारे में मैं आपको करंट अफेयर्स में कल कवर करती हूँ इस चीज के बारे में. ठीक है. भीम स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरबैंक मनी ट्रांसफर, भारत इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, भारत इंटरफेस फॉर मार्केटिंग या फिर भारत इंटीग्रेटेड मनी ट्रांसफर. दैट इज नथिंग बट भारत इंटरफेस फॉर मनी. ओके भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम एक इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप है जो NPCI द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ओके एंड ये UPI बेस्ड है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बेसिस पे, और इसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पे नेम किया गया था इन 2016 एंड डेवलपर एज आई सेड इज NPCI एंड दिस इज अवेलेबल इन 20 लैंग्वेजेस. LTV का फुल फॉर्म क्या है? LTV, सो LTV लेंडिंग, लेंडर, लोन, लिमिट या फिर नन. L स्टैंड्स फॉर लोन टू वैल्यू रेशियो. ओके लोन, L मतलब लोन, लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब अगर आप लोन ले रहे हो एंड कोई चीज आप मॉर्गेज कर रहे हो. ओके गिरवी रख रहे हो, यू यूज समथिंग एज कोलैटरल. सो कोलैटरल का वैल्यू कितना है, क्या उतना ही लोन आपको मिलता है जितना कोलैटरल का वैल्यू है? आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है तो क्या आपको के घर का जो वैल्यू है उतना ही बैंक आपको लोन देगी? नहीं. ओके जनरली उससे कम होता है, 80% 90%. ओके विच इज डिसाइडेड बाय RBI. सो लोन टू वैल्यू रेशियो लोन के मुकाबले आपके कोलैटरल के मुकाबले, मॉर्गेज के मुकाबले आपका लोन का वैल्यू कितना है, ये LTV द्वारा इंडिकेट किया जाता है. ओके सो इट इज लोन टू वैल्यू रेशियो. नेक्स्ट, द टर्म डैश रेफर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हाईली रिस्की एंड ग्रोथ ओरिएंटेड वेंचर विद ऑब्जेक्टिव अर्निंग हाई रेट ऑफ रिटर्न. चलो हाई रेट ऑफ रिटर्न कोई नहीं भावेश, 10 लाख का भी लेंगे तो भी नहीं मिलेगा. ओके 10 लाख का घर भी गिरवी रखोगे तो भी 10 लाख का लोन कंप्लीटली बैंक नहीं देगी, LTV पे ही देंगी. ओके या एग्जैक्टली. सो हाई रेट ऑफ रिटर्न, द टर्म डैश रेफर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विच इज हाईली रिस्की. जो हाईली रिस्की होता है ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब स्टार्टअप फॉर्म्स में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटल. ओके वेंचर कैपिटल एक फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है एंड जनरली एक टाइप ऑफ फाइनेंसिंग है मतलब पैसा देना, इन्वेस्ट करना कोई एक स्टार्टअप कंपनी में या फिर स्मॉल कंपनीज में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में जो कंपनी फर्दर बहुत ग्रो करने का चांस रखते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, इसे हम वेंचर कैपिटल कहते हैं. एंड जनरली ये इन्वेस्टर्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स करती है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करती है.
Now there are various important concepts related to financing. Finance related और भी कोई भी चीज़ आपसे examination में पूछी जा सकती है, जैसे angel investors क्या हुए, leasing क्या हुआ, merchant banking क्या हुआ, बहुत सारे terms हैं जो alternate sources of finance में आपको पढ़ने होते हैं. Generally not so much for bank exams. Bank exam पे भी ये VC से related एक general question आ सकता है, but other sources of financing are very very important for your regulatory body exams. Okay, so you should read about that. Scheduled commercial banks are those included in the second schedule of which act? कौन से act के तहत scheduled commercial banks आते हैं? Banking Regulation Act, RBI Act, Payment and Settlement, State Bank of India या फिर none? Exactly. Very correct answer is RBI Act 1934, not the Banking Regulation Act. RBI Act 1934 के मुताबिक दो कंडीशंस होती है जो कमर्शियल बैंक्स को सैटिस्फाई करनी होती है सो दैट दे कम अंडर देयर सेकेंड शेड्यूल. अपने सेकेंड शेड्यूल में आने के लिए पहला कंडीशन है कि उनका पेड अप कैपिटल एंड कलेक्टेड फंड जो होना चाहिए बैंक का 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए. दूसरा कंडीशन है जो भी एक्टिविटी बैंक कर रही है वो डिपॉजिटर्स के हित में होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए. तो ऐसे शेड्यूल्ड बैंक्स आपके कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, ओके, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन यू हैव नेशनलाइज्ड बैंक, यू हैव रीजनल रूरल बैंक्स, यू हैव फॉरेन बैंक्स एंड अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विच आर जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल विच कम अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाइड इन आरबीआई एक्ट. इनमें से कौन सा जो है आरबीआई एक्ट के तहत नहीं आता है? नहीं आता है, सिंपल है. यहाँ पे सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है जो आरबीआई के तहत आते हैं. ओके, आरबीआई सोल पावर टू इश्यू करेंसी नोट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. लिक्विडिटी नॉर्म्स पर्टेनिंग टू एसएलआर, ओके, लिक्विडिटी नॉर्म्स क्या है एसएलआर के लिए, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिए है, ना कि आपके आरबीआई एक्ट में. नेक्स्ट, अ चेक विच इज पेबल टू एनी पर्सन हु प्रेजेंट्स इट फॉर पेमेंट. जिसके पास चेक है अगर वो काउंटर पे लेके जाता है उसको पेमेंट मिलेगा. इस चेक को हम क्या कहते हैं? जनरली अनसेफेस्ट चेक है ये, वेरी रिस्की, बिकॉज आपको अगर मिल गया 10 लाख का चेक एंड अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो उस चेक को तो आपको पैसा मिल जाएगा और आप माला माल हो जाओगे. तो इस चेक को हम कहते हैं बेयरर चेक. ओके, वन हु बेयर्स द चेक will get the payment, that is bearer check. तो bearer check basically example दे रहे हो आपको bearer check का. जैसे a check has been signed by Ina, okay, Ina ने sign किया check है and payee है Meena. So Meena bank में जाके उसका payment निकाल सकती है अगर वो bearer check है. अगर वो bearer check है, अगर इस bearer word को आपने काट दिया तो वो बन जाता है ordered check. Okay, वो बन जाता है ordered check. और ऑर्डर चेक से पेमेंट उसी को मिलता है जिस पे उसका नाम, वही बंदा उसे एनकैश कर सकता है जिस चेक पर जिसका नाम लिखा हुआ है, राइट? सो इट इज ऑर्डर चेक. अपोजिट ऑफ बेयरर इज ऑर्डर. बेयरर नाम काटा तो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर काटा तो बेयरर चेक बनेगा. नेक्स्ट, क्रॉस्ड चेक. क्रॉस चेक जहाँ पे चेक के फेस पे टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं, उसमें आप बैंक का नाम, ब्रांच का नाम जो है या फिर पर्सन का नाम मेंशन कर सकते हैं. दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ चेक इन विच नो कैश विथड्रॉवल कैन बी डन. सीधा जो पैसा है अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ड्रॉवर अकाउंट टू द पेज अकाउंट, राइट, जिसने चेक ड्रॉ किया है और जिसे पेमेंट होना है. पेमेंट डायरेक्टली पे के अकाउंट में होता है, कैश में विड्रॉवल क्रॉस चेक में होता नहीं है. देन स्टेल चेक, मतलब 3 महीने तक अगर आपने कैश विड्रॉ नहीं किया, चेक विड्रॉवल नहीं किया, तो 3 महीने बाद वो चेक आपका स्टेल चेक हो जाता है. जो चेक की वैलिडिटी है 3 महीने बाद डेट ऑफ इशू से वैलिड नहीं रहती, जिसे हम कहते हैं स्टेल चेक. I think this is the last question. Let's see. Dash are loans where the borrower has defaulted in repayment or when the loan has been restructured. Loan आपने default किया, मतलब not paid the EMIs. Okay, not paid. Simple.
सिंपल, दिस इज नोन एज स्ट्रेस्ड असेट. ओके, इसे कहते हैं स्ट्रेस्ड असेट या फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट. ठीक है, आपने लोन लिया और आपने उसके ईएमआई नहीं भरे, तो कितने महीने बाद वो या फिर कितने दिन बाद वो पैसा एनपीए में जाता है. व्हाट इन हाउ मेनी डेज द असेट कम्स अंडर एनपीए और स्ट्रेस्ड असेट. एनपीए को ही दूसरा नाम है स्ट्रेस्ड असेट. कितने दिन बाद? आफ्टर 90 days. ओके, 90 दिन तक. So that is all about non-performing asset. Non-performing asset मतलब वो लोन जिस पे आपने 90 दिन तक के पैसा नहीं भरा, EMI नहीं भरा. तो इसके बहुत सारे categories होते हैं, जैसे substandard हुआ, doubtful हुआ, loss asset हुआ. ठीक है, so what there are many categorization of this which I will be discussing in the upcoming session with the help of few more questions. Till then you can revise this PDF or you can go through my other courses on Unacademy which are already available. Okay, बाकी के question मैं अगले session में cover करूँगी guys. ठीक है, अब कल से एक batch चालू हो रहा है, batch नहीं है, free class है जो Unacademy पे चालू हो रहा है 11 बजे. इसमें आप enroll करेंगे daily. This is completely free which will cover your current affairs, your static banking, economic, financial terminologies. ऐसे ही जो मैंने आज discuss किया है, ऐसे कुछ बहुत सारे नए questions, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके आरबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई में काम आ सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टू टारगेट 100% इन योर जीएस सेक्शन. दिस डेली फ्री क्लासेस विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट. यू जस्ट हैव टू एनरोल इट फॉर फ्री बाय यूजिंग द अनलॉक कोड रूही10. एंड इन केस यू आर गोइंग फॉर अ सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर रहे हो, अगर आप रेगुलेटरी बॉडी ले रहे हो, तो रादर देन गोइंग फॉर अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आप कॉम्बो ले सकते हो. बिकॉज कॉस्ट तो उतना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी ऑफर चल रहा है 75% ऑफ का, एंड कोड लगाने के बाद 10% और ऑफ हो जाता है. एंड अगर आपके पास कॉइन्स है तो और 10% आपको एक्स्ट्रा मिलता है. तो ऑफर टिल टूडे वैलिड है गाइज. नाबार्ड का कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, देन आरबीआई के बैचेस बहुत सारे जो है चल रहे हैं, एंड अपकमिंग डेज में और भी बहुत सारे बैचेस आपको देखने मिलेंगे. सो यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल अ मैक्सिमम डिस्काउंट. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.